हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब और स्वागत है आपका वी टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। डोंट ब्रेड टू 2021 में रिलीज हुई ये मूवी 2016 में रिलीज हुई मूवी का सीक्वल है। इसकी IMDb रेटिंग 6.3 आउट ऑफ 10 है और रोटन स्कोर 42% फ्रेश है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए मूवी को शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज चैनल के लिए थोड़ा प्यार दिखाइए और इसे सब्सक्राइब करिए। तो मूवी की शुरुआत होती है पहली मूवी की इवेंट के 8 साल बाद, जहां हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जो कि जंगल में किसी से बचकर भागने की कोशिश कर रही है और उसका पीछा कर रहा है शेडो, जो कि लास्ट मूवी में ब्लाइंड मैन नॉर्मन का डॉग था। जहां अब हमें पता चलता है कि इसे ट्रेनिंग दी जा रही है नॉर्मन द्वारा, जो कि वही ब्लाइंड मैन है जिसके घर में पिछली मूवी में 3 लोगों ने चोरी करने की कोशिश की थी। यहाँ नॉर्मन के बारे में वैसे तो पहली मूवी में बता दिया गया था, फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि नॉर्मन पहले आर्मी में था, जहाँ उसने काफी लड़ाइयाँ लड़ी और लास्ट में वियतनाम वार के टाइम अपनी आँखें गंवा दी। उसके बाद वो रिटायर होकर घर आ गया, जहाँ उसकी एक ही बेटी थी जिसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और जिसने वो एक्सीडेंट किया था वो भी पैसों के दम पर सजा से बच गया था। सो नॉर्मन उसके बाद से सोसाइटी से भरोसा खो चुका है और लोगों के लिए उसमें दया अब नहीं बची है। खैर, अब इस मूवी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमें यहाँ ये पता चलता है कि नॉर्मन इस बच्ची को पास के ही एक जले हुए घर से लाया था, बट उसने उसे अभी तक ये नहीं बताया है कि वो उसका रियल फादर नहीं है। इस बच्ची का नाम फियोनिक्स है और उसने उसे बता रखा है कि वो पहले जिस घर में रहते थे उस घर में आग लग गई थी और वहीं पर उसकी माँ की डेथ हो गई थी। अब नॉर्मन फिनिक्स को कहीं भी बाहर जाने नहीं देता है और उसे हमेशा घर में ही रखता है। नॉर्मन के घर का जरूरत का सारा सामान एक लड़की यहाँ वैन से पहुँचाती है, जो कि फिनिक्स को भी जानती है और उसे पता है कि नॉर्मन उसे कहीं बाहर नहीं जाने देता। सो वो एक दिन नॉर्मन को बोलती है कि उसे फिनिक्स को उसके साथ बाहर जाने देना चाहिए। यहाँ पहले तो वो उसे मना करता है, बट बाद में फिनिक्स की जीत के बाद उसे जाने देता है। अब रास्ते में फिनिक्स उसी जले हुए घर में जाती है और कुछ फ्लावर्स अपनी माँ की याद में वहाँ रख देती है, क्योंकि नॉर्मन ने उसे बताया था कि उसकी माँ की डेथ वहीं चलकर हुई थी। अब फिनिक्स एक ऑर्फन एज होम में जाती है, यहाँ बच्चों के साथ खेलती है और उन्हें खेलता हुआ देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि वो ज्यादातर अकेली ही रहती थी और ऐसे ही बच्चों के साथ खेलना उसका हमेशा से सपना रहा था। इसी बीच हमें टीवी पर न्यूज दिखाई जाती है कि एक गैंग है जो कि बच्चों को किडनैप करके उनके ऑर्गन्स निकालकर बेचती है और इन दिनों इस शहर में उनके बहुत से केस मिल रहे हैं। तो अब तक शाम हो चुकी थी और वैन वाली लड़की फिनिक्स को बोलती है कि अब उनका घर जाने का टाइम हो चुका है तो उन्हें निकलना चाहिए। अब फिनिक्स उसे बोलती है कि वो टॉयलेट करने जा रही है, फिर वो जा सकते हैं। जहाँ टॉयलेट के बाद जब वो बाहर जा ही रही थी तभी वहाँ एक आदमी आता है और उसे अजीब तरीके से देखता है। ये वही था जिसकी फोटो हमने टीवी न्यूज में देखी थी। तो वो आदमी फिनिक्स की तरफ बढ़ता है, बट तभी फिनिक्स के साथ उसका डॉग शैडो होता है तो वो उस टाइम कुछ नहीं कर पाता। अब ये आदमी मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जो कि हमें आगे पता चलेगा। सो उसके बाद फिनिक्स उस वैन गर्ल के साथ वापस अपने घर चली जाती है, जहां वैन गर्ल नॉर्मन को कहती है कि फिनिक्स को बाहर जाना अच्छा लगता है तो वो हर वीक उसे घुमाने ले जा सकती है, बट नॉर्मन उसे मना कर देता है। तो वैन गर्ल वापस अपने घर जाने लगती है, बट रास्ते में ही उसे एक कार खड़ी मिलती है जिसे अपनी वैन से उतरकर जब वो देखती है तो उसके अंदर उसी गैंग के लोग थे जिन्हें हमने न्यूज में देखा था। ये लोग वैन ड्राइवर का तब से पीछा कर रहे थे और ये देख रहे थे कि उसने फिनिक्स को कहाँ ड्रॉप किया है। तो अब वैन ड्राइवर उनसे डर कर वापिस अपने वैन में आकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट उनमें से एक उसे मार देता है। अब ये सब नॉर्मन के घर जाते हैं और सबसे पहले उसके डॉग शैडो को बाहर मार डालते हैं। यहाँ ब्लाइंड मैन बाहर जब शैडो को खाना खिलाने के लिए जाता है तब पाता है कि वहाँ शैडो नहीं है और उसे ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में जाने लगता है और उसी के पीछे पीछे गैंग मेंबर्स घर में घुस जाते हैं फिनिक्स को पकड़ने, बट फिनिक्स उन्हें देख लेती है और छिप जाती है। अब तक नॉर्मन को ये पता चल जाता है कि किसी ने उनके डॉग शैडो को मार दिया है और वो समझ जाता है कि कोई उसके पीछे से उनके घर में घुसा है। सो वो वापस घर जाने लगता है, जहां अब एक आदमी ने फिनिक्स पर गन पॉइंट कर रखी थी, बट नॉर्मन उस पर पीछे से अटैक करता है और फिनिक्स को बोलता है कि जल्दी से जाकर सेफ में छुप जाओ। दरअसल ये सिर्फ नॉर्मल ने ही स्पेशली फिनिक्स के छुपने के लिए बनाई थी। तो फिनिक्स भाग कर जाती है और उस लोहे की सेफ में छुप जाती है। इतने में नॉर्मन उन लोगों पर अटैक करता है और एक को घायल कर देता है। अब एक गैंग मेंबर को पता चल जाता है कि फिनिक्स लोहे की सेफ में छुपी है, तो वो उसमें पानी भरना शुरू कर देता है ताकि डूबने के डर से वो बाहर निकल आए, बट फिनिक्स बाहर नहीं निकलती और जैसे ही वो सेफ पानी से भरने वाली थी उतने में ही नॉर्मन वहाँ आ जाता है और किसी तरह मुश्किल से
उस आदमी को मार डालता है और सेफ बीन नीचे गिराकर उसका पानी निकालता है और फिनिक्स को बाहर निकालता है और उसे बचा लेता है। हालांकि इन सब में उसे भी काफी चोट लगती है, बट वो फिनिक्स को बचाने में कामयाब रहता है और उसे लेकर बाहर भागने लगता है। अब यहाँ पर उसी गैंग का लीडर रेलिन आता है, जहाँ बाकी लोगों के साथ वो देखता है कि नॉर्मन ने उसके एक साथी को मार दिया है और फिनिक्स को साथ लेकर वो गई घर में ही छुप गया है। तो अब वे सब उनको ढूंढना शुरू करते हैं और यहाँ मूवी का एक बड़ा ट्विस्ट ओपन होता है, जब गैंग लीडर रेलिन उन्हें बताता है कि फिनिक्स दरअसल उसकी बेटी है और जब उनके घर में आग लगी थी तब पुलिस उसे पकड़ कर ले गई थी और उनके पीछे से नॉर्मन ने उसकी बेटी को वहां से उठा लिया और ये सब सच भी होता है। अब रेलिन वहां फिनिक्स को ढूंढ लेता है और अपने साथियों को बोलता है कि फिनिक्स को बाहर निकालकर पीछे से ब्लाइंड मैन नॉर्मन को वे वहीं पर मार दें। बट नॉर्मन किसी तरह से उन्हीं के एक साथी को मारकर घर के अंदर भाग जाता है, जहां गुस्सा होकर रेलिन अपने डॉग को उस पर अटैक करने के लिए छोड़ देता है और फिनिक्स को अपनी कार में बैठाकर उसके घर में आग लगाकर चला जाता है, ये सोचकर कि या तो उसे डॉग काट कर मार डालेगा या वो जलकर मर जाएगा। अब जब वो डॉग नॉर्मन को काटने आता है तो नॉर्मन उसे गोली से नहीं मारता क्योंकि उसे डॉग से बहुत प्यार था और इसके अलावा उसके खुद का डॉग शैडो भी था जिसे थोड़ी देर पहले मार दिया गया था और आर्मी के दिनों से उसने बहुत से डॉग को ट्रेन किया था। तो किसी तरह से वो उस डॉग को पहले तो कंट्रोल करता है और फिर उसे और अपने आप को किसी तरह से आग से बचा लेता है और अब चूंकि उसने डॉग को कंट्रोल कर लिया था तो वो उसी का यूज करके उन गैंग मेंबर्स का ठिकाना ढूंढने के लिए चल देता है। वहीं अब रेलिन फिनिक्स को अपने घर लाता है, जहां वो उसे बताता है कि वो उसका रियल फादर है और उसका रियल नाम भी तारा है। हालांकि फिनिक्स को ये भरोसा हो जाता है कि वो सच बोल रहा है, फिर भी वो उसके साथ नहीं रहना चाहती और वहां से जाने लगती है। तभी वो उसे बताता है कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है और वो उसे उससे मिला सकता है, जिसे सुनकर फिनिक्स खुश हो जाती है और वो उसे उसकी माँ से मिलाता भी है। जहां हम देखते हैं कि उसकी माँ काफी बीमार लग रही थी और वो फिनिक्स को बताती है कि जब उनके घर में आग लगी थी तब उसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए थे और अब उसे जीने के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत है। अब चूंकि फिनिक्स उन्हीं की बेटी है तो वे उसके ऑर्गन्स निकाल कर उसकी माँ को ठीक कर सकते हैं। और यहाँ हमें मूवी का दूसरा राज पता चलता है, वे लोग अभी तक फिनिक्स को सिर्फ इसीलिए ढूंढ रहे थे ताकि उसके ऑर्गन का यूज करके उसकी माँ की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दें और वो बच जाए। और उन्होंने फिनिक्स को सुबह तब देखा था जब मूवी की शुरुआत में वो जले हुए घर में गई थी। बाकी इस ट्रांसप्लांट के बाद फिनिक्स का तो मर जाना तय है, तो वो लोग फिनिक्स को बेड से बांध देते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें कहता है कि वो फिनिक्स को बेहोश नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इतनी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, बिकॉज वो लोग छुप कर ये ऑपरेशन करा रहे हैं। तो वो फिनिक्स को जिंदा ही काट कर उसके ऑर्गन्स निकालेगा, बट इतने में ही वहाँ लाइट चली जाती है, जिसमें रेलिंग के साथ ही लाइट को शुरू करने के लिए बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ ब्लाइंड मैन ने उनके लिए ट्रैप बिछा रखा था और वो एक एक करके सबको मार देता है। इसके बाद वो ऊपर जाता है और रेलिंग से भी लड़ता है और फिनिक्स को भी खोल देता है। इसके अलावा वो उसकी वाइफ को भी मार देता है ताकि वो उसे बचाने के लिए फिनिक्स को ना मारे। इसके बाद वो फिनिक्स को भी वहां से भागने के लिए कहता है और फिर रेलिन की आंखों को अपने हाथों से फोड़ देता है। यहां से ये सीन काफी क्रूअल था और हम जानते हैं कि नॉर्मन हमेशा से एक्सट्रीम रहा था और अब तक उसे काफी चोट भी लग चुकी थी। तभी पीछे से घायल रेलिन, जो कि अब अंधा हो चुका था, उस पर चाकू से वार करता है और उसकी पीठ में चाकू मार देता है। बट फिनिक्स उसके पीछे से आती है और रेलिन को तलवार से मार देती है और घायल नॉर्मन को उठाती है। नॉर्मन अब फिनिक्स को बोलता है कि उसे उससे दूर रहना चाहिए और उसे बताता है कि उसने अब तक बहुत गलत काम किए हैं और लोगों को बेदर्दी से मारा है, रेप किए हैं और अपनी रियल बेटी के मरने के बाद सोसाइटी से उसका भरोसा उठ गया था। बट फिनिक्स ने उसे एहसास दिलाया है कि उसने कितने गलत काम किए हैं। तभी फिनिक्स उसे बोलती है कि वो उसे बचा सकती है, बट नॉर्मन उसे बोलता है कि वो उसे ऑलरेडी बचा चुकी है और इतना कहने के बाद वो मर जाता है। अब फिनिक्स यहाँ काफी दुखी होती है और उसी ऑर्फन होम में जाती है जहाँ मूवी के शुरू में घूमने के लिए गई थी और वहाँ बच्चों के साथ रहने लगती है क्योंकि अब तक वो हमेशा अकेली ही रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब ये मूवी फर्स्ट पार्ट के जितनी थ्रिलिंग तो नहीं थी, बट इसकी स्टोरी ब्लाइंड मैन नॉर्मन के स्टोरी आर्क को अच्छे से कंप्लीट करती है और हम उसके इमोशंस को लास्ट में अच्छे से समझ पाते हैं कि कैसे फर्स्ट पार्ट में ना चाहते हुए भी वो एक विलन था। और ये मूवी नॉर्मन को इस पार्ट में एज ए हीरो शो करती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।